नमस्कार, आईटीएच 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर जिले के नरसुलागंज में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने गई टीम पर रेत माफियाओं ने किया हमला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नरसुलागंज में रेत माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। कार्रवाई करने गई टीम के ऊपर तानी पिस्टल व दी जान से मारने की धमकी। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज भोपाल पर। एक तारीख को रात्रि में करीब 11:30 बजे अवैध रेत के संबंध में एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और मैं नायब तहसीलदार और पटवारी धरपकड़ के लिए निकले थे। वो मंडी अतरालिया की तरफ से एक डंपर आया, डंपर क्रमांक के है 5514। उसको विशाल पेट्रोल पंप के आगे रोका गया। डंपर को जैसे ही रोका वैसे ही ड्राइवर उतर कर फरार हो गया। जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी तब तक एक अल्टो कार आई और दो मोटरसाइकिल आई, डंपर के आगे उन्होंने खड़ी कर लिया और एक बोलेरो थी जो 8-10 फीट की दूरी पर थी। चूँकि अंधेरा था इसलिए इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो इन लोग उतरे और वाद विवाद करने लगे और जो जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी उसमें व्यवधान पैदा किया और कट्टा निकालो, रिवाल्वर निकालो, फायरिंग करो, बहुत देख लिया इनको, इस तरह की धमकी देने लगे। लेकिन हमने जब्ती की कार्रवाई शुरू रखी, तब तक के माफियाओं में से एक ड्राइवर डंपर में चढ़ के और डंपर स्टार्ट करके भागने लगा। तो चूँकि कोई हादसा ना हो इसकी वजह से फिर सारे लोग हट गए, डंपर निकाल कर वो ले गए। लेकिन उन्होंने गाली गलौज की जो और अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए पाए गए थे और जब्ती की कार्रवाई नहीं हो पाई और डंपर लेके फरार हो गए। इस संबंध में FIR की गई है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। एक अवैध रेत से भरा ट्रक ले जाने की सूचना राजस्व अमले को मिली थी, क्योंकि सूचना अचानक थी इसलिए कोई इसने प्लानिंग नहीं की असली थी। और इसलिए जब उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ट्रक को लेकर के फरार हो गया। साथ ही उसके साथ में आए कुछ लोगों ने पिस्टल से मारने की धमकी दी। क्या कार्रवाई की जा रही है? अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जो भी डिटेल्स मिले उनके आधार पर। और चूंकि हम पहले भी लगातार प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसी कार्रवाई करेंगे।